साथियों नमस्कार, मैं हूं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं ई रेडियो। लोग सरकारी शिक्षक तो बनना चाहते हैं लेकिन अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल नहीं कराना चाहते, उनको पढ़ाई लिखाई के लिए सरकारी स्कूलों में भेजना पसंद नहीं करते। बातें इसलिए की जा रही हैं क्योंकि एक ज्वलंत मुद्दा इस वक्त चर्चाओं में। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। इसका कारण क्या है और इसके पीछे क्या परिस्थितियां बन रही हैं, इन तमाम चीजों के बारे में बातचीत करें। साथियों, आज एमए, बीए, बीएड ये तमाम पढ़ाइयां करने के बाद सरकारी स्कूलों में जिन शिक्षकों की नियुक्ति होती है उन पर लोग भरोसा नहीं जता पा रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है और जो निजी स्कूल हैं, अगर आप सरकारी स्कूलों की तुलना में निजी स्कूलों की बात करें तो वहाँ पर अयोग्य शिक्षकों के होने के बावजूद लोग उन पर आंखें मूंद कर भरोसा करते हैं, आखिर क्या कारण है इन दोनों सवालों के उठने का? आखिर क्या कारण है सरकारी स्कूलों में बच्चों के कम होने का और निजी विद्यालयों में बच्चों की संख्या बहुतायत मात्रा में होने का? हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि लगातार 2 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 1 से लेकर के 8 तक के जो बच्चे हैं उनके दाखिला लेने की संख्या गिरती जा रही है। इस वर्ष 12 लाख बच्चों से भी कम विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया है उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में जो कि सरकार के अधीन आते हैं। पिछले 2 सालों की बात करें तो 24 लाख के आसपास जो बच्चे हैं वो उन्होंने एडमिशन लिया है, लेकिन ये संख्या अब धीरे धीरे गिरती चली जा रही है। अगर इस वर्ष और पिछले वर्ष की बातें छोड़ दें तो लगातार इसके पहले जो भी सत्र चलते थे उनमें बच्चों की संख्या ज्यादा बढ़ती चली जाती थी, दाखिला बढ़ता चला जाता था, जिसकी शाबाशी लेने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और उनके जो सरकारी अधिकारी हैं वो अपनी पीठ थपथपाने के लिए सदैव खड़े रहते थे और वो ये वाहवाही लूटने की होड़ मची रहती थी। लेकिन इस बार जब बच्चों की संख्या कम होती जा रही है तब वाहवाही लूटने वालों की संख्या भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, नदारद हुए पड़े हैं। बेसिक स्कूलों के शिक्षा के स्तर पर अध्ययन करने वाली एक संस्था ने असर नाम की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें ये बताया गया है कि बच्चों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। आपको बता दें कि बेसिक स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों की संख्या 2022 से लेकर के 23 के सत्र में लगातार बढ़ रही थी, लेकिन 2023 से 24 और 2024 से 25 के सत्र में यह संख्या घटती चली जा रही है। और अब तो कमाल ही हो गया, 2024 से 25 के सत्र में 12 लाख से कम विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया। जरा एक बार सोच कर देखिए कि जिन सरकारी स्कूलों में करोड़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अलावा लाखों करोड़ों रुपयों के जो वेतन बांटे जाते हैं, तमाम शिक्षकों की नियुक्तियां होती हैं, इतने सारे भवन खड़े हैं सरकारी, इतनी सारी सरकारी जमीनों पर स्कूल बने हुए हैं, उनके देख रेख के लिए अरबों खरबों रुपयों के वारे नारे किए जा रहे हैं, ऐसे में स्कूलों में अगर बच्चों की संख्या कम है तो इसके पीछे कारण क्या है और इस संख्या की कमी होने के पीछे जो जिम्मेदार लोग हैं वो कौन है? सरकार जिस सत्र में बच्चों की संख्या बढ़ने की बात कर रही थी वो सत्र था कोविड के दौरान का। कोविड के दौरान जब सभी तरफ लॉकडाउन लग चुका था, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था, तो ऐसे में तमाम लोगों ने सरकारी स्कूलों में बच्चों का दाखिला कराना शुरू कर दिया था, जिसको लेकर के सरकार भी अपनी पीठ थपथपा रही थी और दूसरी तरफ बेसिक शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी अपनी पीठ थपथपा रहे थे और उनका कहना यह था कि उनकी कड़ी मेहनत और बेहतरीन व्यवस्था का परिणाम है कि बच्चे बढ़ रहे हैं। लेकिन 2024 और 25 के सत्र की बात करें तो इस बार बहुत कम विद्यार्थियों ने अब तक दाखिला लिया है विद्यालयों में और जिसका श्रेय लेने के लिए कोई भी अधिकारी ढूंढने से नहीं मिल रहा है। उनके अगर हम दफ्तर में भी जाकर पूछने की कोशिश करते हैं तो वो इसका जवाब नहीं देते हैं और बातचीत करने से कतराते हैं। तमाम लोगों से बातचीत की हम लोगों ने, उनमें लोगों ने अपना पक्ष रखा है कि आखिर क्यों विद्यार्थियों की संख्या कम होती जा रही है, उसके पीछे का कारण क्या है। ऐसा है कि प्राइमरी पाठशाला में अपने बच्चों को इसलिए नहीं भेज रहे हैं वे, क्योंकि वहाँ पठन पाठन जो है सुचारू रूप से नहीं हो रहा है, क्योंकि आते हैं मोबाइल अपना चलाते हैं, समय व्यस्त अपना समय काटते हैं, समय काटने के लिए आते हैं, नहीं जाते हैं अमीरों के लड़के क्योंकि उसमें पढ़ाई नहीं होती, उनके लड़के बिगड़ जाएंगे और मास्टर लोग कुर्सी पर बैठ करके वही तमाम बातें अपना बतलाते हैं और स्कूल के बच्चे जो हैं इधर उधर खेलते हैं। इसका कारण ये है कि अड़ोस पड़ोस के जब बहुत से लड़के जो हैं अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं तो गार्जियन समझता है कि हमारे बच्चे क्यों न जाएं, एक इस कंपटीशन से
चाहे उसके पास इनकम कम भी हो तो भी ये न कहने प्रकार अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में भेजते हैं। तो पहला कारण तो ये कंपटीशन की भावना है और गांव में बहुत अधिक कंपटीशन की भावना है, इसलिए वैसे। और प्राइमरी स्कूलों की हालत ये है कि बच्चे जो हैं अध्यापक जो हैं जो कुछ शिक्षण ग्रहण किए हैं ट्रेनिंग में उसके अनुसार नहीं पढ़ाते हैं। ज़्यादातर अध्यापक जो हैं समय पास करते हैं। प्राइमरी के बारे में अगर बात की जाए तो मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो सरकार मिड डे मील का व्यवस्था बंद करे, क्योंकि हर बच्चे खाना खा के जाते हैं और वहाँ खाना लेकर जा सकते हैं, उससे इनकी पढ़ाई में काफ़ी अच्छाई आएगी। कोई भी बच्चा आज की डेट में पढ़ने में कम, टीचर भी पढ़ाने में कम और मिड डे मील के भोजन में और बाकी व्यवस्थाओं में ज़्यादा समय दे रहा है। इस कारण से प्राइमरी जो है पूरी तरीके से फेल हो रहा है, कोई भी अपना बच्चा वहाँ पढ़ाना नहीं चाहता। कुछ ऐसी बात है कि अंग्रेजी स्कूलों में इसलिए भेजते हैं कि लड़का थोड़ा बहुत अंग्रेजी भी बोलता है तो बड़े खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं कि हमारा लड़का अंग्रेजी में बोलता है। उसका कोई विशेष फायदा नहीं है। एक हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ लड़का जो है IAS कर लेता है, अच्छी अच्छी नौकरी जाता है, लेकिन अंग्रेजी स्कूल के बच्चे जो है उतना नहीं हो। वैसे कुछ इसमें है, थोड़ा बहुत अंग्रेजी स्कूलों का वातावरण ऐसा होता है जिसमें जो है बच्चे जो हैं वो बहुत कुछ सीखते हैं, ऑलराउंड डेवलपमेंट वहाँ होता है, वो प्राइमरी में उतना नहीं होता, तो यही कमी है। क्या दशा है, क्यों आखिर अभिभावक जो है अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते? अभिभावक इसीलिए नहीं भेजना चाहते क्योंकि वहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है, लोग अपना समय जो है ज़्यादा से ज़्यादा बाहरी कार्यों में, मिड डे मील में, इन्हीं सब राजनीतिकरण में लगे हुए हैं टीचर्स, बाकी बच्चों के लिए उनके पास समय नहीं बच पाता। अभिभावक की तरह मतलब कि होता है, अभिभावक ये नहीं समझ पाते हैं कि जबकि सरकारी स्कूल में इतने अच्छे अच्छे अध्यापक आए हैं और आ रहे हैं, वो जो है खुद ही अपने प्रतिष्ठा मान सम्मान को बनाए रखने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं ताकि जो है हमारा मान सम्मान, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा जो है प्रेस्टीज जो है और मतलब हमेशा आगे की ओर बढ़ता रहे और बच्चों को जो है अधिक से अधिक अपना ज्ञानार्जन करें और बच्चे जो है आगे बढ़ते रहें। केवल अभिभावक इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि मतलब कि आखिर में जो है अच्छा अभिभावकों के मन में एक डर सा बन गया है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी और प्राइवेट में पढ़ाई होगी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो गलत उनकी धारणा है, इस प्रकार धारणा नहीं होनी चाहिए। वो आकर देखें, खुद आकर बैठें, देखें, पहले समझें कि वास्तविक चीज़ क्या, जब वास्तविकता की ओर आएंगे तब वो समझेंगे कि क्या चीज़ वास्तविक है, क्या चीज़ सही है। हम तो ये कहते हैं कि प्राइवेट से अच्छा तो सरकारी स्कूल है और सरकारी स्कूल से मतलब जो है इससे बढ़कर के कोई और दूसरा नहीं। प्राइवेट में शोषण होता है, सीधे सीधे वहाँ शोषण करते हैं। अच्छा, आप अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाते हैं? जी हाँ, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, किस स्कूल में उन्होंने प्राथमिक शिक्षा किस स्कूल में प्राप्त की? हमारे बच्चे, हम खुद ही जब शिक्षा मित्र में थे उस समय हम अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में हम खुद ही लिखवाए थे, वो बच्चे हमारे पढ़ करके आगे बढ़े हैं। बच्चा पढ़े या ना पढ़े, क्योंकि अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ाते हैं, उनको मालूम है कि हम शिक्षा में कायदे से कार्य नहीं कर रहे हैं, तो अपने उसी तरह से हर विद्यालय की दशा होती है, केवल समय का पास होता है, पठन पाठन नहीं हो रहा है, बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। प्राथमिक पाठशालाओं में उनको पैसा मिल रहा है, वेतन मिल रहा है, सरकार से मिल रही है, उनको क्या ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को पठन पाठन सुचारू रूप से कराएं? इसीलिए प्राइमरी पाठशाला की दशा दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। साथियों, हमें जो दो चार कारण नज़र आते हैं उनमें से सबसे पहला यही है कि जो निजी विद्यालय हैं उनके पास एक रेगुलरिटी है उनको ठीक तरीके से मैनेज करने के लिए, चूँकि निजी विद्यालय अगर अपनी गुणवत्ता में सुधार करके रखेगा तभी उनके पास बच्चों के आने की जो निरंतरता है वो जारी रहेगी। इसके अलावा जो उनकी सुविधाएं हैं वो एकदम बेहतरीन है। दूसरी, इसके अलावा एक और बात जो ये है कि उनके यहाँ जो बच्चों के पढ़ाने का क्रम है वो बहुत अच्छा है, तमाम शिक्षक उनके यहाँ ऐसे हैं जो हालांकि कम योग्य हैं लेकिन सरकारी विद्यालयों की तुलना में कम योग्य हैं, लेकिन पढ़ाने का जो उनका तरीका है, तौर तरीका है, वो लगातार जारी रहता है।
वजह इसके बावजूद अगर हम सरकारी विद्यालयों की बात करें तो वहां पर जो शिक्षक हैं मनमाने तरीके से आते हैं, मनमाने तरीके से जाते हैं। हाल ही में आपने ये भी देखा होगा कि किस तरह से ऑनलाइन अटेंडेंस की बात की गई तो शिक्षकों ने पुरजोर विरोध किया, सड़कों पर उतरे। ये साफ तौर पर बताता है कि जो सरकारी शिक्षक है वो किसी तरीके से अपनी ठीक तरीके की जो उनकी उनकी जिम्मेदारी दी गई है उसको ठीक से निर्वहन करने में सक्षम नजर नहीं आ रहे हैं। तमाम विद्यालयों की आपने देखी होगी कि किसी भी विद्यालय में गुरुजी सोते हुए नजर आ रहे हैं, किसी विद्यालय में गुरुजी दारू पीते नजर आ रहे हैं। बिहार के कई विद्यालयों में ऐसा सीन सामने आया, कई सारे ऐसे विद्यालय हैं जहां पर लोग ना केवल वहां पर बच्चों को जो थोड़ा सा कमजोर आय वर्ग के लोग हैं वो सिर्फ इसलिए जाते थे कि मिड डे मील योजना का लाभ उन्हें मिलेगा, खाने पीने की चीजें अच्छी मिलेंगी। मिड डे मील योजना तक पे जो भ्रष्टाचारियों की नजरें थी वो इतनी बारीकी से गड़ी कि मिड डे मील योजना पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। जिन बच्चों को खाना दिया जाता है वो खाना शायद आप अपने घर में रखना भी पसंद नहीं करेंगे। जिस खाने को दे करके बच्चों को बरगलाया जाता है वो खाना खाने योग्य शायद नहीं होता है। इसलिए अब मिड डे मील योजना का चाहे प्रलोभन हो या फिर वजीफा देने का प्रलोभन हो, निःशुल्क किताबें, ड्रेस, ये तमाम चीजें सरकार दे रही है, इसके बावजूद बच्चों का स्कूलों से मोह भंग होना कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रहा है कि जो हमारे प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हैं उन पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। इसकी गवर्नेंस बॉडी जो है बेसिक शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी और उनके तमाम जो उनके मातहत हैं वो सभी लोग इसके जिम्मेदार हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो है प्रदेश सरकार की और प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग के। आप सभी लोग मिलजुल कर इतनी सारी जो पैसों का वारा न्यारा हो रहा है, सरकारी कोष को खाली कर दिया जाता है वेतन के नाम पर, मेंटेनेंस के नाम पर, तमाम सुविधाएं देने के नाम पर। उन मेंटेनेंस के बदले, उन विद्यालयों में आपकी जो नौकरी लगी है तनख्वाह पाने के बदले, आप तमाम लोग उदासीन बने बैठे हैं, बच्चों को ठीक तरीके से शिक्षित नहीं कर पा रहे हैं, ठीक तरीके से उनको वो व्यवस्थाएं नहीं दे पा रहे हैं जो सरकार उनको देना चाहती है। और सरकार की कमी यह है कि सरकार ठीक से निगरानी नहीं कर रही है। भ्रष्टाचार सबसे इन सभी चीजों की जड़। कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और इस वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो उससे हम सभी लोगों को मोरलिटी सपोर्ट मिलता है और हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं, अच्छी अच्छे कंटेंट्स बनाने की कोशिश करते हैं और ठीक तरीके से जो एक निष्पक्ष पत्रकारिता है उसे करने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।